सबसे पहले मछली को अच्छे से धुल लेना है और उसमें इस तरीके से कट्स लगा लेना है ताकि मसाले उसमें चले जाए और पक जाए। फिर हम लोग लेंगे पालक और पालक को वॉश करके एक तरफ रख देंगे। तेल को एक पैन में गरम कर लेंगे। सरसों का तेल ही लेना है क्योंकि सरसों के तेल में जब मछली फ्राई होता है तो टेस्ट ही अलग होता है। मेरे पास ये पैन था तो इसीलिए हमने यही पैन यूज़ किया। अगर आपके पास इससे बड़ा पैन है तो आप उसमें और बेहतरीन तरीके से फ्राई कर सकते हैं। एक एक करके हम मछली को इस पैन में फ्राई कर लेंगे। दोनों ही तरफ से मछली को फ्राई करना है। पलटते वक्त इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि तेल के ऊपर ही जब इतनी बड़ी मछली पलटेगी तो फिर वो तेल छिड़क सकती है, तो आप सेफ डिस्टेंस पे रहे और अपने आप को इससे चोट ना पहुंचाए। जब आपने मछलियों को अच्छे से तल लिया हो, दोनों ही तरफ से गोल्डन ब्राउन या फिर ऐसा लगे कि वो लगभग कुक हो चुका है, कंप्लीट कुक नहीं करने से भी होगा, उसे थोड़ा कम कुक करने से भी होगा, लेकिन आप दोनों तरफ से उसे इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कम से कम जो है वो कर ले, और इतना कम से कम आप कुक कर ले। अब हमने मछली को फ्राई कर लिया, कुक कर लिया, और उसके बाद उसमें हम लोग पालक डाल देंगे और पालक में मछली को दोबारा से अच्छे से पकाएंगे ताकि सारा रस्सा उसके अंदर चला जाए। सर्व करते वक्त उसे आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि रोटी के साथ चिकन खाया जा सकता है, चावल के साथ भी चिकन खाया जा सकता है, लेकिन फिश जो है वो क्योंकि आप काटे वाटे उसका हटा के खाएंगे तो चावल के साथ और टेस्टी लगता है। अब इसका सॉफ्टनेस आपको बताते हैं कि ये जो मछली हमने बनाई है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है अंदर से। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इसको पकड़ते ही वो निकल रही है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है और सारा रसा जो है इसके अंदर चला जाता है। पालक पनीर तो आपने काफ़ी बार खाया होगा, तो एक बार आप पालक फिश भी खा सकते हैं। हमने इसे ब्रिंजल फ्राई के साथ सर्व किया है,